नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। सिद्धू ने वीडियो संदेश में अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गलत अधिकारियों की नियुक्ति कर सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। वहीं कांग्रेस आला कमान सिद्धू को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में आपात बैठक की, जिसमें सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी मंत्री प्रगट सिंह को सौंपी गई है। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिदे ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां का कोई मायना सी ही नहीं। यह मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद हो गए सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ता ही आवाज दे विच फल आ। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दियां नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरणां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने, जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलां नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दुद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ दा, जदों मैं देखदा ते मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट चलन ते की एजेंडा है। पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीआं गल्लां करदे सी वो मसले किथे ने, वो साधन किथे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सिर मत्थे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधनां दे लई लड़ाई लड़न लई सिर मत्थे किसे भी चीज दी कुर्बानी मैं दऊंगा, लेकिन सिद्धांतों ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनू कुछ सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दुबारा उहनां नूं लिआ के उही सिस्टम खड़ा नहीं कीता जा सकदा। मैं इहदा विरोध करदा। नंबर दो, मावां दीआं कुखां रोलण वाले सब तों वड्डा मुड्डा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उहनां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दीआं कुखां रोलतीआं, उहनां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकदा। मैं ते अड़ू ते लड़ू जांदा सब कुछ जा, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता सी ना उदों नारा पाया, मेरी रूह की आवाज पंजाब की प्रगति पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं। पर कलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतह।
नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो में कहा कि मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता, ना गुमराह होने दे सकता हूं। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं किसी भी चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिद्धू ने कार्यकारी डीजीपी इकबाल प्रीति सहोता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इकबाल प्रीत सहोता ने जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल परिवार को क्लीन चिट दी, उससे इंसाफ खत्म हो गया। आइए देखते हैं कि सिद्धू ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को ज्यादा भावना देने के साफ संकेत दे दिए हैं। इसको लेकर पार्टी महासचिव हरीश रावत का आज होने वाला पंजाब दौरा रद्द कर दिया गया है। सिद्धू से हरीश रावत बात नहीं करेंगे। आला कमान ने सिद्धू को साफ संदेश दिया है कि उनसे केंद्रीय नहीं बल्कि प्रदेश नेतृत्व ही बात करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार ने कहा कि नवजोत सिद्धू का इस्तीफा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम स्थिति को सुधारने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। नया पंजाब अध्यक्ष जल्द से जल्द नियुक्त करने की आवश्यकता है। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़ी मुश्किल से शांति आई है। 1980 से 1995 के बीच उग्रवाद के दौरान 25,000 लोगों ने बलिदान दिया। इनमें से ज्यादातर लोग कांग्रेसी थे। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पंजाब में जल्द सब ठीक हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस में अब सिद्धू के खिलाफ माहौल बनने लगा है। ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू को घेरना शुरू कर दिया है। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कुछ लोगों को किरकिरी कराने की आदत होती है। उन्होंने संदेह जताया कि ऐसा लग रहा है कि सिद्धू किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बुधवार सुबह सीएम चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में सिद्धू को मनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम चन्नी ने कहा कि नवजोत सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी मंत्री प्रगट सिंह को सौंपी है। चन्नी ने कैबिनेट बैठक में बिजली बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चन्नी ने ऐलान किया है कि 2 किलोवाट के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिल सरकार भरेगी। 53 लाख परिवार ऐसे हैं जो बिल नहीं भर पा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।